नमस्कार दर्शकों स्वागत है आप सभी का एन के इंटरैक्टिव लाइव सेशन में मैं हूं आपके साथ शिवानी झा और आप सभी इस वक्त हमें देख रहे हैं ई e विद्या के चैनल नंबर 10 पर दर्शकों आज हम आपके लिए क्लास दसवीं के बच्चों के लिए एक ऐसी आत्मकथा लेकर के आए हैं जिसे पढ़ कर के आप लोग भी ज़रूर मोटिवेटेड फील करेंगे आज के टॉपिक का जो है वो है एक कहानी यह भी मनु भंडारी साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि अगर आपके पास कोई भी क्वेरी हो या फिर डाउट हो तो आप हमें सीधा संपर्क भी कर सकते हैं हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है डबल एट डबल ज़ीरो डबल फाइव ज़ीरो नाइन साथ ही अगर आप हमें मेल भी करना चाहते हैं तो हमारी ईमेल आईडी है डी टी एच डॉट क्लास टेन एट द रेट सी आई टी डॉट एन आई सी डॉट इन तो चलिए सबसे पहले जो है आज के हमारी एक्सपर्ट जो है हम उनका स्वागत कर लेते हैं हमारे साथ सीधा स्टूडियो से जुड़ी हुई हैं है, मैम आज के हमारी एक्सपर्ट है डॉक्टर वंदना शर्मा मैम बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे सेशन बहुत बहुत धन्यवाद आपको बताएं कि डॉक्टर वंदना शर्मा मैम असिस्टेंट प्रोफेसर है डीई एल एन सी आर टी से तो मैम सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि आज का जो टॉपिक है हमारा तो इसके बारे में कुछ बताइए और जो लेखिका हैं इसकी मनु भंडारी उनके बारे में भी कुछ बताइए जी मनु भंडारी हिंदी साहित्य की जानी मानी लेखिका मानी जाती है इन्होंने अपने लेखन के माध्यम से हिंदी साहित्य को समृद्ध किया साथ ही इन्होंने कहानी उपन्यास आदि की रचना भी की इन्होंने अपने व्यक्तिगत अनुभवों से भरपूर लेखन लिखा साथ ही सामाजिक परिवेश से युक्त लेखनी का कार्य इन्होंने किया इन्होंने अपने जो लेखन है कहानियाँ हो चाहे उपन्यास हो उनमें एक ऐसे विषयों को उठाया है जो समाज से जुड़े हुए हो या सामाजिक मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण अभिव्यक्त करते हो साथ ही साथ इन्होंने क्योंकि जो आ, इनके जन्म का जो दौर था आ, वो स्वतंत्रता संग्राम से गुजर रहा था तो इनके लेखन पर साथ ही इनके जीवन पर उस स्वतंत्रता संग्राम की झांकियाँ भी दिखाई पड़ती है इनके एक महाभोज उपन्यास में स्वतंत्रता गत जो चेतना है वो दिखाई पड़ती है तो मैम साथ ही मैं ये भी जानना चाहूँगी कि मनु भंडारी जो लेखिका हैं उनका लेखन किस प्रकार का था तो वो भी हमारे छात्रों को बताइए जैसा कि मैंने बताया उनका लेखन समाज से अभिप्रेरित था उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी हुई बातें भी साझा की साथ ही उन्होंने बच्चों का जो मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण है या एक बालक का जो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है वो भी अपने उपन्यास आपका बंटी के माध्यम से अभिव्यक्त करने का प्रयास किया साथ ही उन्होंने एक कहानी यह भी है जो उनका आत्मकथात्मक चित्रण है इसके माध्यम से इन्होंने जो किस प्रकार एक लड़की को या कहते हैं एक लड़की को लेखन के लिए या उसकी स्वतंत्र अभिव्यक्ति के लिए एक एक स्तर मिलता है या एक प्लेटफॉर्म मिलता है इसका चित्रण उन्होंने एक कहानी यह भी में किया है तो मैम ये कहानी जो आप ये कहानी एक भी की बात कर रहे हैं हम तो इसका उद्देश्य क्या है और इससे क्या बच्चों को जो है सीख मिल, मिलती है एक कहानी यह मनु भंडारी द्वारा लिखित एक आत्मकथात्मक चित्र है या चित्रण है कह सकते पूरी आत्मकथा न होकर एक चित्रण है एक भाग जिसे कह सकते हैं उनका जो आरंभिक परिवेश था आरंभिक जीवन था कैसे वह पली बड़ी और किस प्रकार के वातावरण में वह बड़ी हुई उसका चित्रण इसमें किया गया साथ ही उनके पिताजी जो स्वयं भी लेखक थे संपत राय जी तो उनका जो उनकी लेखन का और उनके स्वभाव का जो प्रभाव है वह लेखिका पर कैसे पड़ा साथ ही साथ उस दौर में जो उन्नीस सौ सैंतालीस में स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था उसके दौरान किस प्रकार वह जुलूसों में भाषणों में और हड़तालों में भाग लेती थी इसका चित्रण उन्होंने अपने इस आत्मकथात्मक चित्रण के माध्यम से करने का प्रयास किया है तो मैम थोड़ा सा अब हम इस यह एक कहानी यह भी के बारे में भी पढ़ लेते हैं और आप छात्रों को भी बताइए जी जी बिल्कुल आत्मकथा के बारे में सबसे पहले हम मनु भंडारी जी का जीवन परिचय जान लेते हैं मंडू मनु भंडारी मध्य प्रदेश के मंदसौर ज़िले के भानपुरा नामक गांव में जन्मी लेकिन इनकी जो शिक्षा है वह अजमेर में होकर आ, आकर हुई आ, न, और इनके जो बचपन का नाम था महेंद्र कुमारी था इन्होंने एमय तक शिक्षा प्राप्त की और दिल्ली के मिरांडा हाउस में अध्यापिका के तौर पर इन्होंने काम किया फिर उसके बाद जो इनका उपन्यास है आपका बंटी वो धर्मयुग में एक धारावाहिक के रूप में प्रकाशित हुआ साथ ही विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में प्रेमचंद सृजन पीठ की भी यह अध्यक्षा रही लेखन का संस्कार उन्होंने उनको विरासत में मिला क्योंकि जो उनके पिताजी थे वह लेखन और पठन का कार्य करते थे इसी कारण उनके स्वभाव पर और उनके चरित्र पर उन, उनके पिताजी का प्रभाव पड़ा इनकी प्रमुख कहानियों में है एक प्लेट सैलाब में हार गई तीन निगाहों की एक तस्वीर यही सच है त्रिशंकु आँखों देखा झूठ और अकेली साथ ही इनके उपन्यासों में है आपका बंटी एक इंच मुस्कान महाबोज आपका बंटी उपन्यास बच्चों आपने भी कहीं सुना होगा और आपको भी पढ़ना चाहिए किस प्रकार एक बच्चे को केंद्र में रखकर उसके मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण का उसके जो मनोभाव है उसका चित्रण इसके अंतर्गत किया गया है दूसरा उपन्यास है एक इंच मुस्कान ये उनके पति जो साहित्यकार थे और राजेंद्र यादव उनके साथ मिलकर इन्होंने यह उपन्यास लिखा तीसरा उपन्यास है महाबोज। यह उपन्यास नौकरशाही और राजनीति में व्याप्त भ्रष्टाचार के बीच आम आदमी की पीड़ा को अभिव्यक्त करता है जैसा कि मैंने पहले बताया है कि किस प्रकार न, उस समय जो लेखिका का जो जीवन था उस समय स्वतंत्रता संग्राम का दौर चल रहा था तो ए, उसकी झांकियाँ उसकी झल झल झलकियाँ ये इस उपन्यास के माध्यम से भी दिखाई पड़ती है इसमें राजनीतिक जो परिवेश था और किस प्रकार नौकरशाही और राजनीति दोनों में भ्रष्टाचार है इसका चित्रण इसके अंतर्गत किया गया और इसके मध्य किस प्रकार आम आदमी पिसता है इसका चित्रण इसमें किया गया है इनको जो प्रमुख सम्मान अपने साहित्य के लिए मिले हुए हैं जो इन्होंने साहित्यिक रचनाएं की इन उनके लिए इनको पुरस्कृत किया गया हिंदी अकादमी दिल्ली का शिखर सम्मान बिहार सरकार भारतीय भाषा परिषद कोलकाता से भी इनको सम्मानित किया गया राजस्थान संगीत नाटक अकादमी से भी इनको पुरस्कृत किया गया व्यास सम्मान और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा इनको पुरस्कृत किया गया अब हम पाठ के बारे में कुछ जानते हैं पहले हमने कुछ चर्चाएं की थी पाठ के बारे में कि किस प्रकार का इनका लेखन है या फिर किस प्रकार पाठ में पाठ को बताने का प्रयास किया गया है तो मैं बताना चाहूँगी कि एक कहानी यह है भी आत्मकथा में मनु भंडारी ने अपने जीवन की घटनाओं पर प्रकाश डाला है जैसा कि मैंने पहले बताया कि किस प्रकार जो उनका आरंभिक जीवन था पांच भाई बहनों में पढ़ लिख कर वह बड़ी हुई साथ ही उन्होंने अच्छी स्थिति भी देखी और ख़राब आर्थिक स्थिति भी देखी और बाद में उनके जो लेखन पर उनके समाज का उनके परिवार का उनके गली मोहल्लों का किस प्रकार प्रभाव पड़ा यह एक कहानी में भी इसका चित्रण किया गया है घर का वातावरण माता पिता के स्वभाव भाई बहन और सहेलियों के साथ खेलकूद स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रियता आदि का रोचक वर्णन इस पाठ में किया गया है ये पूरी आत्मकथा न होकर यह उनके जीवन से जुड़े हुए कुछ मूल्य हैं जैसा कि मैंने पहले बताया है कि एक आत्मकथात्मक चित्र है जिसमें ये पूरी आत्मकथा ना होकर इनका जीवन में जो किस प्रकार आरंभिक रूप से शुरू हुआ और किस प्रकार इनका लेखन कार्य में ये प्रवृत्त हुई उसका चित्रण इसमें किया गया है यह उन लोगों के बारे में लिखा गया है जो उनके लेखन से जुड़े हुए हैं चाहे उनके पिताजी हो चाहे उनके पति हो जो राजेंद्र यादव बड़े साहित्यकार रहे हुए हैं और उनके किसोर जीवन के साथ पिताजी कॉलेज की प्राध्यापिका जो शीला अग्रवाल थी उनका भी उनके व्यक्तित्व पर बहुत असर पड़ा साथ ही ये जो असर था ये उनकी लेखनी में भी आया आइए अब हम पाठ की ओर चलते हैं हम यहाँ पर पाठ की कुछ संदर्भ पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि हमें पाठ से जुड़ाव महसूस हो कि कहाँ कौन सी बात आई है जन्मी तो मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में थी लेकिन मेरी यादों का सिलसिला शुरू होता है अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के उस दो मंजिला मकान से जिसकी ऊपरी मंजिल में पिताजी का साम्राज्य था जहां वे निहायत अव्यवस्थित ढंग से फैली बिखरी पुस्तकों पत्रिकाओं और अखबार के बीच या तो कुछ पढ़ते रहते या फिर डिक्टेशन देते रहते इसके अंतर्गत लेखिका ने बताया है कि किस प्रकार उनका जन्म मध्य प्रदेश के एक भानपुरा गांव में होता है लेकिन उनकी जो यादों का सिलसिला है वह अजमेर में शुरू होता है क्योंकि उनकी जो पढ़ाई है वह अजमेर से शुरू होती है साथ ही पिताजी की पहले आर्थिक स्थिति ठीक रहती है लेकिन जब आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है तो वह अजमेर आकर रहने लगते हैं और एक शब्द के निर्माण में जुट जाते हैं ऐसे इस अवस्थाओं को लेखिका ने देखा है तो उनका जो उनकी जो जीवन व्यक्तित्व था उसका असर उन पे भी पड़ता है पर ये तो मैंने केवल सुना देखा तब तो इन गुणों के भगनावशेषों को पिता ढोते थे एक बहुत बड़े आर्थिक झटके के कारण वे इंदौर से अजमेर आ गए थे जहां उन्होंने अपने अकेले के बलबूते और हौसले से अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश के अधूरे काम को आगे बढ़ाने का कार्य शुरू किया जो अपनी तरह का पहला और अकेला शब्दकोश था इसने इन्हें यश और प्रतिष्ठा तो बहुत दी पर अर्थ नहीं दिया जो इस समय का जो दौर था इसमें जो साहित्यकार थे उनको अपने महत अपनी मेहनत का इतना मेहनत मेहनताना नहीं मिलता था तो जितना वे कार्य करते थे उनको उसके बदले में उतना आर्थिक संबल नहीं मिल पाता था शायद गिरती आर्थिक स्थिति ने ही उनके व्यक्तित्व के सारे सकारात्मक पहलुओं को निचोड़ना शुरू किया जब व्यक्ति आर्थिक कठिनाइयों से गुजरता है तो जो उसमें सकारात्मकता होती है वह भी थोड़ी छिन्न भिन्न हो जाती है यही लेखिका बताने का प्रयास कर रही है कि मेरे पिताजी जब आर्थिक कठिनाई से गुजर रहे थे तो उनमें जो सकारात्मकता थी वह थोड़ी बहुत डगमगाने लगी अपनों के हाथों विश्वासघात की जाने जैसी गहरी चोटें कैसी के, होगी वे उन्होंने आंख मूंद कर सबका विश्वास करने वाले पिता को बाद के दिनों में इतना सक्की बना दिया कि जब तक हम लोग भी उसकी चपेट में आते ही रहते पर यह पितृगाथा मैं इसीलिए नहीं गा रही कि मुझे उनका गौरवगान करना है बल्कि मैं तो यह देखना चाहती हूँ कि उनके व्यक्तित्व की कौन सी खूबी और खामियाँ मेरे व्यक्तित्व के ताने बाने से गुथी हुई है या कि अनचाहे जान कि ये उनके व्यवहार ने मेरे भीतर किन ग्रंथियों को जन्म दे दिया यह लेखिका मनु भंडारी बताने का प्रयास करती हैं कि जो पिताजी की स्थिति थी और उनका व्यवहार था किस प्रकार मेरे व्यवहार में भी आने लगा मनु भंडारी में एक कला थी या कह सकते कि हुनर था कि वह चीज़ों को जल्दी ग्रहण कर लेती थी तो एक बच्चा होता है वो अपने आसपास के जो परिवेश है उससे बहुत जल्दी आकर्षित हो जाता है और उनको ग्रहण करने लग जाता है यही स्थिति मनु भंडारी के साथ भी हुई वह इस आत्मकथा के माध्यम से ये ढूंढना ढूंढने का प्रयास करती है कि किस प्रकार मेरे पिताजी का जो व्यवहार था वह मेरे भीतर भी आ गया या मेरे लेखन में वह किस प्रकार आया पिता के ठीक विपरीत थी हमारी बेपढ़ी लिखी माँ धरती से कुछ ज़्यादा ही धैर्य और सहन सकती थी शायद उनमें पिताजी की हर जाति को अपना प्राप्य और बच्चों की हर उचित अनुचित फरमाइश और जिद को अपना फर्ज समझकर बड़े सहज भाव से स्वीकार करती थी उन उन्होंने जिंदगी भर अपने लिए कुछ मांगा नहीं चाहा नहीं केवल दिया ही दिया लेखिका इस प्रसंग के माध्यम से कहना चाह रही है कि मेरे पिताजी तो एक कठोर स्वभाव के थे लेकिन मेरी पिताजी उनके इतर एक सरल स्वभाव की महिला थी जिन्होंने आजीवन अपने बच्चों और अपने पति की फरमाइशों को पूरा किया उन उनके लिए अपनी प्राथमिकता नहीं थी उनके लिए केवल अपने बच्चों की प्राथमिकताएं अधिक दिखाई पड़ती थी फिर एक स्थान पर एक कहानी है में लेखिका कहती है कि मेरी जो माँ है उनके इस व्यक्तित्व का मेरे ऊपर कोई असर नहीं हुआ क्योंकि जो लेखिका थी वह एक स्वतंत्र स्वभाव की महिला थी वह इन सब कमज़ोर चीजों को अपने जीवन में स्थान नहीं देती थी तो उन्होंने कहा कि जितना मेरे व्यक्तित्व पर मेरे पिताजी का प्रभाव पड़ा उतना चाहे मेरी माँ कितनी भी सीधी हो लेकिन मेरे व्यक्तित्व पर उनका प्रभाव नहीं पड़ा हम भाई बहनों का सारा लगाव माँ के साथ था लेकिन निहायतः असहाय मजबूरी में लिपटा उनका यह त्याग कभी मेरा आदर्श नहीं बन सका न उनका त्याग न उनकी सहिष्णुता खैर जो भी हो पर अब यह पैतृक पुराण यही समाप्त कर अपने पर लौटती हूँ यहाँ लेखिका ने अपने आरंभिक जीवन के बारे में बताया और अपने लेखन पर किस प्रकार अन्य व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा यह बताया आगे वह बता बताना चाहती है कि किस प्रकार एक स्वतंत्र विचार मेरे अंदर अभिव्यक्त हुए या प्रेरित हुए किस प्रकार मेरे विचारों में प्रस्फुटन हुआ और वो बनने लगे किस प्रकार का वातावरण था मेरे आपसी परिवेश में यह आगे बताने का प्रयास करती है पांच भाई बहनों में मैं सबसे छोटी सबसे बड़ी बहन की शादी के समय मैं शायद सात साल की थी और उसकी एक धुंधली सी याद ही मेरे मन में है लेकिन अपने से दो साल बड़ी बहन सुशीला और मैंने घर के बड़े आंगन में बचपन के सारे खेल खेले सतोलिया लंगड़ी टांग पकड़म पकड़ाई काली टीलो तो कमरों में गुड्डे गुड़ियों के ब्याह भी, हाँ भी रचाए आस पड़ोस की सहेलियों के साथ शीला अग्रवाल ने साहित्य का दायरा ही नहीं बढ़ाया बल्कि घर की चार दीवारी के बीच बैठकर देश की स्थितियों को जानने और समझने का जो सिलसिला पिताजी ने शुरू किया था उन्होंने वहाँ से खींच उसे भी स्थितियों की सक्रिय भागीदारी में बदल दिया सन छियालीस सैंतालीस के दिन वे स्थितियाँ उसमें वैसे भी घर में बैठे रहना संभव नहीं था प्रभात फेरियाँ हड़ताले जुलूस भाषण हर शहर का चरित्र था और पूरे दमखम और जोश खरोश के साथ इन से जुड़ना हर युवा का उन्माद उन्माद था इसके अंतर्गत लेखिका बताना चाहती है कि किस प्रकार उनकी जो प्रधानाचार्य थी उस उनका प्रभाव उनके व्यक्तित्व पर पड़ा एक शीला अग्रवाल नाम की प्रधानाचार्य थी तो लेखिका को जो के व्यक्तित्व गठन का जो भार था या उनका जो व्यक्तित्व गढ़ा गया उसमें उनके पिताजी और उनका प्रभाव पड़ा क्योंकि जब उस समय कॉलेज में जो भी गतिविधियाँ होती थी, भाषण होते थे जुलूस होते थे हड़तालें होती थी स्वतंत्रता संग्राम के लिए लड़ाइयाँ की जा रही थी उन सब में यह भाग लेती थी और इनकी जो ये शीला अग्रवाल थी वह इनका पूरा भरपूर सहयोग करती थी सन उन्नीस के मई मही महीने में शीला अग्रवाल को कॉलेज वालों ने नोटिस थमा दिया लड़कियों को भड़काने और कॉलेज का अनुशासन बिगाड़ने के आरोप में इस बात को लेकर हुरदंग न मचे इसीलिए जुलाई में थर्ड ईयर की क्लासेस बंद करके हम दो तीन छात्राओं का प्रवेश निषिद्ध कर दिया हुरदंग तो बाहर रहकर भी मचाया कि कॉलेज वालों को अगस्त में आखिर थर्ड ईयर खोलना पड़ा जीत की खुशी पर सामने ब खड़ी बहुत बड़ी चिर प्रतीक्षित खुशी के सामने ये खुशी बिला गई शताब्दी की सबसे बड़ी खुशी पंद्रह अगस्त उन्नीस जैसा कि आप सभी को पता है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था तो इस जो संघर्ष का दौर है इसके अंतर्गत लेखिका ने किस प्रकार एक छोटी सी भूमिका निभाई है ना तो इसके साथ साथ ये अन्य महिलाओं को भी उसमें खड़ा करने का प्रयास करती है तो वह कह रही है कि कॉलेज वालों ने नोटिस थमा दिया था लेकिन फिर भी ये चीज़ जारी रही और बाद में उनको क्लासेस खोलनी पड़ी और चिर प्रतीक्षित खुशी जो पूरे देश को इसकी एक कह सकते हैं कि प्रतीक्षा थी वह घड़ी 15 अगस्त 1947 को आ गई तो इस दौरान जो लेखिका का जो व्यक्तित्व उभर कर आया उसका चित्रण एक कहानी यह में भी मन, मनु भंडारी करती है तो जैसा कि मैम एक सवाल मैं यहाँ पर और करना चाहूँगी आपसे अभी आपने आत्मकथा के बारे में बताया मनु भंडारी किस तरीके से उन्होंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया हर एक चीज़ और इस मुकाम तक पहुँची जी जी बिल्कुल लेकिन हम इसको इससे भी जोड़ सकते हैं कि आजकल की जो बालिकाएँ हो गई वो कहीं ना कहीं आत्मविश्वास उनके अंदर नहीं आ पाता है तो इस आत्मकथा से क्या क्या चीज़ें जो हैं सीखने को मिलती हैं आत्मकथा से हमें मनु भंडारी के माध्यम से ये सीखने को मिल रहा है कि किस प्रकार एक हम अपने जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उसको हम बनाए रख सकते हैं यह विचार केवल लेखनी के माध्यम से आ सक लेखनी और पठन के माध्यम से आ सकता है जितना हम हम पढ़ेंगे उससे हमारे विचार खुलेंगे साथ ही साथ चूँकि लेखिका का जो परिवार था वह पढ़ा लिखा था और उनके पिताजी स्वयं लेखक थे तो उन पर ऐसी कोई भी पाबंदियाँ नहीं थी इस कारण वह इस कार्य में प्रवृत्त हुई लेकिन साथ ही अन्य बालिकाओं को ये प्रेरणा मिलती है कि हमें अपनी आ, व्यक्तिगत अभिव्यक्ति खुली रखनी चाहिए है ना और जिस प्रकार लेखिका भाषणों जुलूसों संगोष्ठियों इसमें भाग लेती थी तो उनसे उनका व्यक्तित्व तो निखर कर आया तो इसके माध्यम से बालिकाओं को एक संदेश मिलता है कि हमें अपनी व्यक्तिगत अभिव्यक्ति को हमेशा खुला रखना चाहिए और सीखने की ललक सदैव हमारे हृदय के अंदर विद्यमान होनी चाहिए और साथ ही मैम देखिए जिस तरीके से आज़ादी की बात की गई है जिस तरीके से चैप्टर में पंद्रह अगस्त उन्नीस सौ सैंतालीस की बात की गई है तो आज़ादी जो क्या आजकल के बच्चे आजकल के जो स्टूडेंट्स हो गए छात्र हो गए आज़ादी का मतलब समझ पा रहे हैं इस पर हम अगर चर्चा करें तो क्या हाँ, कहना चाहिए आजादी का आजादी जो है हम फ्रीडम के नाम से लेते हैं कि हमें फ्रीडम चाहिए आजादी चाहिए यह आजादी अलग है कि हमें गुलामी से मुक्ति मिली कभी-कभार ये होता है कि हम फ्रीडम जो हमें स्वतंत्रता चाहिए हुँ. जीने की स्वतंत्रता उसका हम दुरुपयोग भी करने हुँ. लगते हैं जो कि हमें नहीं करना हुँ. चाहिए आजादी हमारे व्यक्तिगत विचारों को लेकर हो आजादी हमें हमें उस सीमा तक पहुंचाए कि हमें खुले दिमाग से हम सोच सकते हैं ये नहीं कि हम आज़ादी का अतिक्रमण कर ले है ना और उससे परे जाकर हम कुछ भी करने को तैयार रहें तो इस आज़ादी को मैं ऐसी सहमति नहीं देती हूँ तो यही है कि हमें आज़ाद होना चाहिए अपने व्यक्तिगत विचारों से अपने व्यक्तिगत कर्मों से तो ये सब इसके अंतर्गत है ठीक है मैम तो लास्ट के दो मिनट में मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गए जो बच्चों को आप बताना चाहेंगे जी बिल्कुल प्रश्न अभ्यास है चूँकि हमारे पास समय का अभाव है तो हम कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं पहला प्रश्न है लेखिका के व्यक्तित्व पर किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा जैसा कि हमने पूरा पाठ पढ़ा उसके माध्यम से हम देख सकते हैं कि लेखिका के व्यक्तित्व पर दो व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा एक तो उनके पिताजी और दूसरा उनकी प्राध्याप जो प्रधानाचार्य थी आ, शीला, शीला अग्रवाल दूसरा प्रश्न है इस आत्मकथ्य में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया लेखिका के जो पिताजी है उनका मानना है कि रसोई जो महिलाएं हैं उनके व्यक्तित्व के विकास को रोक देती है वह बस किचन में खाना पकाना और वहीं तक सीमित रह जाती है इसीलिए उन्होंने इसको भटियार खाना नाम दिया क्योंकि अगर वह वहीं रहती है तो उनके व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाता है। तीसरा प्रश्न है वह कौन सी घटना थी जिसके बारे में सुनने पर लेखिका को न अपनी आंखों पर विश्वास हो पाया और न अपने कानों पर एक बार की बात है लेखिका के कॉलेज से नोटिस आ गया उनके पिताजी के पास और उनके पिताजी को बुलाया तो उनके पिताजी घबरा गए और लेखिका को जब इस बात का पता चला मनु भंडारी को तो वह भी घबरा गई जब उनके पिताजी कॉलेज गए तब उन्हें पता चला कारण पता चला कि इनको किस वजह से नोटिस मिला है तो इस बात को जानकर उनको इन हड़तालों में जुलूसों में भाग लेने को लेकर नोटिस मिला तो इस बात को लेकर पिताजी ने उनको डांटा नहीं बल्कि उनको सराहा और पीठ थपथपाई थप इस प्रकार के प्रोत्साहन से बालक का विकास होता है अगर वह सही कार्यों में लिप्त है तो इस बात से भी हमें सीखने की प्रेरणा मिलती है इस घटना को सुनकर न तो उनको अपने कानों पर विश्वास हो पाया और न ही अपनी आँखों पर चौथा प्रश्न है इस आत्मकथ्य के आधार पर स्वाधीनता आंदोलन के परिदृश्य का चित्रण करते हुए उसमें मनु जी की भूमिका को रेखांकित कीजिए पूरे आत्मकथा में और इसके अंतर्गत मनु भंडारी जी ने चित्रण किया है कि किस प्रकार वह आंदोलनों में भाग लेती थी वह हड़तालों में भाग लेती थी वह गोष्ठियों में भाग लेती थी किस प्रकार वह विरोध प्रदर्शन में भाग लेती थी किस प्रकार वह स्वदेशी के पक्ष में आती थी इन सभी का चित्रण इस आत्मकथ्य के माध्यम से करने का प्रयास किया गया है अगला प्रश्न मनुष्य के जीवन में आस पड़ोस का बहुत महत्व होता है परंतु महानगरों में रहने वाले लोग प्राय पड़ोस कल्चर से वंचित रह जाते हैं इसके बारे में आप अपने विचार लिखिए महानगरों में आजकल हम ऊंची-ऊंची बिल्डिंगों फ्लैट्स में रहते हैं तो हम जो पड़ोसी जीवन है उसको नहीं जी पाते हैं तो लेखिका का जो समय था वह पड़ोस से प्रेरित था वो पड़ोस में आना जाना खेलना खाना पीना ये सब रहता था तो इसी कारण अपने सामाजिक विकास में पड़ोस का उन्होंने महत्व बताने का प्रयास किया है तो चलिए मैम आज के सत्र में हम यहीं तक रुकना चाहेंगे और दर्शकों बहुत अच्छा लगा मैम ने इतने प्यारे तरीके से मनु भंडारी जी की आत्मकथा के ऊपर हमें और आपको इतने अच्छे तरीके से समझाया तो सबसे पहले तो मैम आपका फिर से धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया बहुत बहुत शुक्रिया तो दर्शकों यहाँ पर साथ ही मैं आपको ये भी बताना कि अभी से कुछ ही देर में हमारा अगला प्रोग्राम जो है डे फाइव का साइबर पेरेंटिंग पर भी चर्चा होनी है और वो प्रोग्राम आप सभी लोगों के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है तो आप लोग उसके साथ जरूर जुड़िए और कोई भी अगर आपको क्वेरी हो डाउट हो तो आप हम लोगों के साथ जुड़ सकते हैं चाहे हमारे कॉन्टैक्ट नंबर या फिर ई मेल से भी तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का